नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। यूपी में लव जिहाद का पहला मुकदमा दर्ज होने के बाद फरार चल रहे आरोपी उवैस को आखिरकार बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरेली के देवरनिया थाने में लव जिहाद का कानून बनने के बाद पहला मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वही लव जिहाद का आरोपी उवैस है, जिसने हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा कर उस पर धर्मांतर का दबाव बना रहा था, जिस वजह से लड़की के पिता ने लॉकडाउन के दौरान ही कहीं दूसरी जगह चुपचाप शादी कर दी थी। लड़की की शादी हो जाने के बावजूद आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिसके बाद 28 नवंबर को देवरनिया थाने में उवैस के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन 3/5 की धारा IPC की धारा 504, 506 में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में लगी हुई थी और आज देवरनिया रेलवे फाटक के पास से आरोपी उवैस को धर दबोचा। बताया जा रहा है उवैस कहीं दूर भागने की फिराक में था। सर, देवरनिया थाना इलाके का एक आरोपी था, उसको गिरफ्तार किया, क्या पूरा मामला? ये 28 तारीख को विधि विरुद्ध धर्मांतरण विधेयक आया था, उसके तहत एक मुकदमा लिखा गया देवरनिया में। तो उसका जो आरोपी था उवैस, उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है।